Assalamualaikum. हाँ तो भाई क्या हाल है, तो कैसे हो ब्रो? Welcome to another new episode of Car for Sale Simulator. आप लोगों को मेरा आवाज़ बदला बदला सा लग रहा होगा, तो यार सबसे पहले तो वॉइस को इग्नोर कर लेना, क्योंकि अभी यार मुझे खांसी है और बुखार वगैरह भी थोड़ा बहुत है, लेकिन छड्डो जान दो भाई, कोई मसला ही नहीं। तो आप लोग भी समझ रहे होंगे भाई टोयोटा सुप्रा मैंने कैसे लिया था भाई। सिंपली जब गेम ओपन होता है डायरेक्ट मैंने टोयोटा सुप्रा लिया था, बस इनको ऐसा है कि भाई जैसे मैंने टोयोटा सुप्रा लिया था उसके बाद हमारा जो लाइट है वो चला गया था। अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, लेकिन फिलहाल जो आगे होता है उसको भाई कंटिन्यू करते। सबसे पहले तो भाई इसको मैंने भाई 60,000 में अराउंड लिया था, एंड उसके बाद थोड़ा बहुत मैंने उसमें खर्चा किया था, और अब इसको भाई सेल में लगाते हैं। सबसे पहले भाई ओके, यहाँ पर एक ग्राहक आ चुका है, भाई ग्राहक से पूछे भाई कितने में लेना चाहोगे। ओके थोड़ा बहुत ये वेट करता है, लेकिन चलो भाई इसको दे ही देते हैं मेरे ख्याल से, थोड़ा बहुत इसके अंदर बार्गिंग वगैरह कर लेते हैं। ओके भाई इसको कितने में देना चाहिए, यहाँ पर मैं 9.5 लाख इसको लगा लेता हूँ। रुको रुको, फिलहाल यहाँ पर और कस्टमर आ चुका है, भाई इसको देखते हैं भाई कितने में लेना चाहते हैं। ओके ये तो भाई इतने कम पैसों में ले रहे हैं, और फिलहाल यार अब रात भी हो चुका है, शायद ये मुझे गाड़ी भेजना चाहिए। सबसे पहले भाई इसके बार्गिंग करते हैं, और यहाँ पर इसको भाई इतने में देते हैं भाई 91,000 में। ओके तो भाई फाइनल यहाँ पर हमारा कार बिक चुका, और भाई थोड़ा बहुत मैं लेट वॉइस और इसके लिए कर रहा हूँ भाई, जो मेरा भाई गला बैठा हुआ है, तो भाई गला बार बार मेरा फंस रहा है, खांसी मुझे आ रहा है, तो इसके लिए थोड़ा दिक्कत आ रहा है। अच्छा। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ, सबसे पहले आप लोग वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप लोग चैनल पर हो तो पहले सब्सक्राइब कर देना। ओके जगह सबसे पहले हम नेबरहुड आ चुके हैं, एंड यहाँ पर मुझे आई थिंक एक गाड़ी अच्छा लगा है, 6,000 में दे रहे ठीक ठाक है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर और मुझे कोई भी अच्छा सा गाड़ी नहीं दिखा, तो भाई यहाँ से भाई चलते हैं फटाफट से भाई, यहाँ पर कोई अच्छा सा कार नहीं। सबसे पहले तो भाई जहाँ से जाके सो जाते हैं, और सुबह ही जाके भाई कार मार्केट को चेक करें। ओके तो हम अब कार मार्केट आ चुके हैं, एंड सामने शायद BMW, पता नहीं कौन सा कार है BMW का, एंड ये थोड़ा बहुत महंगा है, लेकिन यहाँ पर एक और भी कार है, और ये जो भी कार है ये भी कितने में दे रहे हैं भाई, पूरे से पता नहीं कौन सा है। ओके तो ये भी हमारे बजट से अभी ऊपर है, हम इसको भाई लेंगे, लेकिन अभी फिलहाल नहीं ले सकते, हमारे पास पैसे वगैरह ज़्यादा ही कुछ कम है। ओके तो भाई ये भी कोई अच्छा खासे दाम में दे रहे हैं, गाड़ी तो भाई फिट फाट है ठीक ठाक है बिल्कुल। लेकिन गाइस आज के वाले वीडियो के अंदर हम जितने भी सारे हम कार लेंगे वो सारे के सारे सुपर लेंगे। सबसे पहले तो अभी चलते हैं, और सुबह जाके नेक्स्ट डे हमारा हो चुका है ऑलरेडी गाइस, यहाँ पर भाई अभी फिर से आ चुके हैं, दूसरा दिन है, और यहाँ पर ये देखो भाई ये गाड़ी हमने लिया था बिल्कुल, हमने इस पर कमाई भी कुछ नहीं किया था, और यहाँ पर सामने एक BMW मस्त है यार, और ये कौन सा पता नहीं लिमोजिन गा रहा है, पता नहीं कौन सा भाई, इसको भाई चेकआउट कर सकते हैं भाई कितने में दे रहे हैं भाई आंटी। ओके तो भाई ये भाई कितना हमारे बजट से ऊपर, पता नहीं 3 लाख में कितने में दे रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे एक मस्टैंग दिखा है भाई, मस्टैंग को पूछते हैं, मस्टैंग लोड है पता नहीं कौन सा है। ओके तो भाई मस्टैंग से पूछते हैं, मस्टैंग हमारे बजट में है, लेकिन हम छोटे कुम्मी वाले गाड़ी को भी देखते हैं, इसको भी पार्किंग करते हैं भाई, 25,000 में नहीं दे रहे भाई, 26,000 में दे दे। ओके तो बस हमने ये वाला कुम्मी वाला गाड़ी परचेज कर लिया यार, मुझे बहुत शौक था इस गाड़ी को, ठीक ठाक है लेकिन इतना बेहतरीन इसको नहीं कह सकते भाई, चलो इसको खरीद लिया, और इसको मस्टैंग लोड को भी खरीदते हैं। ओके तो भाई इसको मैं कितने में खरीदना चाहिए, इसको भी 32,000 में रेटिंग लगा लेते हैं भाई, शायद हमें दे दे भाई 33,000 में दे दे भाई, क्यों भाई इतना गैप ही करे भाई, दे दे भाई अब। ओके तो भाई फिर भी नहीं दे रहा, पता नहीं क्यों यार 24,000 अब तो भाई रे ये मेरा लास्ट है भाई, दे रहे नहीं दे रहे तो भाई ना दे। ओके तो भाई इसने दे लिया। ओके इससे पहले अपनी गाड़ी पे बैठते हैं। ओके तो भाई इसका इंटीरियर भी काफी ज्यादा मस्त है, लेकिन हम इसको भी चला नहीं सकते, इसको भी सेंड कर लेते हैं सिंपली से ऑटो कार रिपेयर पे जगह पे, वहां पर मैंने इसको सेंड कर लिया। और ये BMW यार मुझे ठीक ठाक लग रहा है, मेरा दिल कह रहा है भी इसको बाय कर ले अगर हमें अच्छे दाम में मिल जाता है। ओके सबसे पहले इसके बार्गिंग करते हैं भाई, $12,000 में दे रहे हैं भाई, इसको $10,000 लगाते हैं। ओके भाई नहीं दे रहा फिर भी। ओके यहाँ पर हम $11,000 भाई इसको डॉलर लगाते हैं भाई। ओके अब तो दे दे भाई 500 में तो भी कम कर रहे भाई, 500 में अभी ये नहीं कम कर रहा अभी पता नहीं क्यों। ओके तो इसने 500 में हमसे कम कर लिया, और गाड़ी तो भाई ठीक ठाक लग रहा है मुझे, BMW का अच्छा कोई मॉडल है, ओल्ड मॉडल है वैसे, लेकिन भाई इंटीरियर वगैरह इसका भी ठीक ठाक है। अब ऐसे करते भाई इसको हम ड्राइव करके चला के जाएंगे, नहीं नहीं इसको भी ड्राइव नहीं करते, इतना फालतू हमारे पास टाइम नहीं, लेकिन इसको कर भी क्या सकते हैं, इसको भी चलाना ही पड़ेगा शायद मेरे ख्याल से, इसको भी चला के लेकर जाएंगे। लेकिन उससे पहले अभी भी हमारे पास 25,000 है, तो हम कुछ और भी गाड़ी यहाँ पर ले सकते हैं, पर ODS5 है भाई, इसको भी अच्छे खासे दाम में दे रहे हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं है भाई इतना गाड़ी खरीदने का। फिलहाल भाई इसको भी लेकर चलते भाई, इसको ड्राइव पर लगाते भी, यहाँ पर ड्राइव इसको भी करके लेकर जाने वाले हैं हम लोग। ओके तो भाई अपने इंटीरियर आप लोग चेक कर सकते हो कितना OP लग रहा है हमारा इंटीरियर। अब गए इसको भी अपने गाड़ी को भगाते वहाँ पर चलते भाई अपने कार ऑफिस पर। अपने गाड़ी को मैं भगाते यहाँ पर कार ऑफिस आ चुका हूँ, एंड सामने आप लोग देख सकते हो भाई गेमर का हमारा लोगो भी लगा है भाई, मैंने इसके लिए गेमर लगाया था क्योंकि मेरा जो पहले था ना इंट्रो उसमें मैं बोलता था हेलो गेमर, इनके लिए मैंने यहाँ पर गेमर लगा लिया। और भाई यहाँ पर सबसे पहले भाई इसको जाके सिंपली से यहाँ पर लगाते कोई अच्छा सा दाम, यहाँ पर भाई कंप्यूटर जल्दी जल्दी फटाफट से ऑन हो जाए, यहाँ पर देखते भाई।
ओके तो भाई इसको मैंने 11,000 और इसमें मैंने 0 भी खर्चे, कोई भी इसमें इन्वेस्ट नहीं किया। इसको हम देने वाले $17,000 में। तो गाइस सबसे पहले भाई यहाँ पर वेट करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर भी कस्टमर रहते हैं, तब तक हम ऐसे करते भाई जो हमारे और गाड़ी है उसको भी जाके रिपेयर वगैरह पे लगा लेते हैं। ओके भाई मस्टैंग लोड को भी जल्दी जल्दी भाई रिपेयर पे लगा दो भाई, क्या कर रहे हो, जब मैं तो मेरी गाड़ी भेजा भाई जल्दी से फटाफट से रिपेयर कर दो। ओके भाई तुम भी भाई हमारे गाड़ी को भी एक छोटे से कुमी वाले गाड़ी को रिपेयर कर दो। यहाँ पर और कस्टमर आ चुके हैं हम अपनी ऑफिस पर, और भाई यहाँ पर इसको भी सेल कर ले, लेकिन नहीं भाई हमारे बजट से नीचे। और ये 12,000 भाई इतने मैंने ये लिया था भाई, इतने में क्यों तुम लोग यार गाड़ी ले रहे हो मेरे से, फजूल मेरे पास से करा रहे हो मेरे से भाई, चल जा पहले फुर्सत निकल भाई। 10,000 दे रहा था भाई, ये भी 12,000 दे रहा है, लेकिन इसे बार्गिंग थोड़ा बहुत कर लेते हैं भाई, देखे कितने में लेना चाहता है। 14,000 में ले ले भाई ले ले, क्यों नहीं ले भाई, जल्दी जल्दी दफा हो यहाँ से, दफा हो, मुझे फालतू लो भाई नहीं चाहिए, जो भी लेना है उसे ले, अगर नहीं लेना तो भाई यहाँ से मैं शोरूम से निकल जाए। तो भाई इसको भाई 14,000 बोल रहे भाई ले ले तो ले ले भाई जान, ले ले भाई जान, ले ले भाई, नहीं ले रहा भाई, क्यों तुम लोग नहीं ले रहे, पता नहीं इस गाड़ी में क्या है भाई, पता नहीं कौन सा भी लोग नहीं ले रहे हैं इस गाड़ी को। ओके यहाँ पर ये भी 12,000, इसको भी कुछ अच्छा सा खासा दाम बोल लेते हैं, इसको भाई ऐसे करते हैं भाई 13,500 इसको भी बोल लेते हैं। यहाँ पर भाई ये भी नहीं मारा, एक और कस्टमर भी यहाँ पर आ चुका है भाई, इससे पूछ लेते हैं। ओके ये तो भाई बिल्कुल कम ही दे रहा था, एंड भाई इससे पूछ लेते हैं भाई ये तुम कितने में दे रहा चाहते हो भाई, 13,000 दे रहे हैं, 13,110 दे रहे हैं, लेकिन उसको मैंने 14,000 बोला है भाई, फटाफट से भाई खरीद लो। ओके तो इसने भाई हमारा जो कार है वो खरीद लिया, अब हम ऐसे करते हैं जो लोड मस्टैंग है और एक कुम्मी से गाड़ी है उसको जल्दी फटाफट से यहाँ पर उठा के लेकर आते हैं। ओके तो भाई यहाँ पर मस्टैंग भी मस्टैंग यार मुझे काफ़ी मस्त लगता है, इसका बैक जो लाइट है बैक लुक है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा इसका मस्त लगता है यार, मेरा इतना मस्टैंग पे खर्च करने का मूड नहीं है, क्योंकि यार मस्टैंग कितना ओपी अपारा लग रहा है, तो इसके फ़ायदा नहीं है भाई इसने मैं इतना खर्च करूँ। और यहाँ पर भाई ड्रिंक किसने फेंक दिया भाई, ड्रिंक को फटाफट से उठाए, और यार दूसरी गाड़ी को हम सिंपल से यहाँ पर लेकर आते हैं और दोनों को भाई एक साथ भेजेंगे, क्योंकि हमने दोनों को भी एक साथ खरीदा है तो भाई दोनों को एक साथ भेजना था। और भी यहाँ पर खटारा सा भी आप लोग दोस्तों भी बिल्कुल खटारा ही यहाँ पर गाड़ी। ओके यहाँ पर भी गाड़ी खटारा सा है भाई, इसको बैक करते हैं यहाँ पर भाई, अपने कार शोरूम पर जाके फटाफट से लगाते हैं। ओके यहाँ पर अपने कार शोरूम पर गाड़ी को लगा लिया यहाँ पर, और अब जाके भाई इसको भी भेजने वाले हैं भाई अच्छे दाम में। ओके तो भाई अपना कंप्यूटर यहाँ पर निकाल लिया, एंड भाई इसको कोई अच्छा सा दाम दे दें भाई, इसको मैंने 840 खर्च किया और 24,000 में मैंने इसको लिया, तो भाई कितने में मैंने भेजना चाहिए भाई, इसको ऐसे कर दे भाई 60,000 में इसको भाई हमें भेजना चाहिए, तो भाई इसको मैंने 60,000 लगा लिया यहाँ पर। फिलहाल यहाँ पर हम कस्टमर का वेट करते हैं, देखते भाई कब तक कस्टमर आ जाता है। एंड ओके तो यहाँ पर एक कस्टमर आ चुका है, हेलो ये 47,000 में गाड़ी लेना चाहता है, लेकिन फिलहाल तुम वेट करो जब तक कोई और कस्टमर आ ही नहीं जाता, जब तक तुम्हें वेट करना। ओके यहाँ पर एक और गाड़ी कस्टमर आ चुका है, यहाँ पर 37,000 दे रहे हैं, कोई अच्छा खासा प्रॉफिट तो दे रहे हैं यहाँ पर मुझे, यहाँ पर 29,000 लगा लेता हूँ यहाँ पर भाई, दे उल्टा चश्मा इसने पहना है कि ओके भाई इसने ले लिया भाई, जैसे चश्मा पहना है ओके ठीक है, लेकिन फिलहाल ये भाई यहाँ पर हम इस कस्टमर को देखते हैं, ओके 37,000 दे रहे हैं, अच्छा डील है, लेकिन यहाँ पर लड़की को चेकआउट कर सकते हैं, लेकिन लड़की भाई $28,000 दे रहे हैं, ये भी फिट फाट है, एंड इसको भी देखते हैं भाई ये भी $51,000 दे रहे हैं भाई, इसे भाई चाह तुम बस 3,000 ऊपर दे दो भाई, कोई बात नहीं मैडम, तो बस अपना गाड़ी लेकर दो बस 3। ओके तो भाई इसने मैडम से गाड़ी भाई ले लिया, बस मैंने इसको बोल रही था भाई इसने गाड़ी ले, ओ यहाँ पर नेक्स्ट डे हो चुका है, और भाई आज फिर से हम जाना पड़ेगा किधर भी कार मार्केट पे चलते हैं सबसे पहले, यहाँ पर भी काफ़ी सारे गाड़ी भाई, ये जो गाड़ी है ये हमारा ड्रीम भाई अब गाड़ी हो चुका है भाई इस वाले वीडियो के अंदर भाई, इस गाड़ी को भाई कैसे भी करके भाई इस गाड़ी को लेना है, तब तक हम इस गाड़ी को भाई नहीं लेते तब तक हम अपना वीडियो बंद नहीं करेंगे। यहाँ पर एक और पुरुष है इसको भाई देखते हैं, लेकिन भाई हमारे बजट से भी काफ़ी ज़्यादा यार ऊपर है, लेकिन इतना भी शायद ऊपर नहीं है, लेकिन फिलहाल हमें कुछ और गाड़ी लेना पड़ेगा, एंड उसके बाद जाके अच्छा खासा प्रॉफिट आ जाएगा तो तभी हम इसको ले पाएंगे, लेकिन उससे पहले हमें और गाड़ी लेना पड़ेगा। सबसे पहले भाई ये दे रहे भाई अच्छे खासे दाम है, इसको भाई 2,000 इसमें कम ले, बस कोई बात नहीं भाई। ओके तो दे दे भाई, ओके तो इसने भाई दे ही दिया हमारे कार भाई हमको, सबसे पहले भाई इसको भाई शोरूम पे भेज लेते हैं, एंड यहाँ पर एक और BMW है शायद, यहाँ पर BMW का इसका लोगो लगा है, यहाँ पर BMW है भाई, इसको भी हमने परचेज कर लिया, एंड भाई अब क्या करते हैं भाई उस दोनों गाड़ी को जाके भाई भेज लेते हैं भाई, देखते भाई कितना हमें प्रॉफिट अच्छा खासा मिल जाता है नहीं मिल जाता, अगर अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा तभी हम पुरुष ले पाएंगे कोई अच्छा सा, एंड भी सबसे पहले दोनों को भाई रिपेयर पे यहाँ पर लगा लेते हैं, या फिर भाई तुम भी रिपेयर जल्दी फटाफट से करो, एंड तब तक ये दोनों भाई गाड़ी रिपेयर रहती है, तब तक आप लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को भाई सब्सक्राइब याद से करने देना, क्योंकि यार अभी मेरा गला बिल्कुल खराब है, तभी मैं आप लोगों के लिए वीडियो यार बना रहा हूँ फिर भी। अरे बस कर, रुलाएगा क्या।
यहाँ पर फिलहाल हमारा एक गाड़ी यहाँ पर मॉडिफाई हो चुका है, यहाँ पर मैं अपनी गाड़ी में बैठ चुका हूँ एंड सबसे पहले यहाँ पर अपनी गाड़ी को जाके मुझे यहाँ पर भेजना पड़ेगा ओके अपनी गाड़ी को भाई यहाँ पर लगाते भी गेमर वाले शोरूम पे एंड अब सबसे पहले भाई दूसरा गाड़ी को भी यहाँ पर लेकर आते हैं एंड दोनों को भी साथ में भेजने वाले हैं। अब इस पर भी बैठते हैं एंड भाई इसको भी जाके लेकर जाते हैं वहाँ पर भी कार शोरूम पे भाई गेमर कार शोरूम पे ओके इसको भी अब आज से बस गेमर कार शोरूम बोलेंगे भाई जान भाई। इसको भी यहाँ पर मैंने ला के खड़ा कर लिया एंड भाई दोनों को भैया प्राइस लगाते कोई अच्छा सा। इस गाड़ी को हमने लिया था भाई 41,000 में एंड भाई 400 इसमें हमने खर्च किया तो इसको हम 100,000 में भेजने वाली हैं एंड नीचे वाले को देखते हुए कितने में हमने इसमें भाई 9,000 में शायद लिया था भाई जान एंड इसको हम लगा ले 15,000 ओके। तो भैया देखते भाई कितने में बिकती है भाई ओके। यहाँ पर भाई फर्स्ट भाई जैसे मैं बाहर से निकला तो भाई मेरा कस्टमर आ चुका था भाई। कस्टमर जल्दी जल्दी बता तुम कितने में लेना चाहते हो। ओ भाई ये भी देखो भाई ये तो ऐसे कस्टमर हमें चाहिए भाई जितना भी बोलेगा उतना ही भी दे रहे हैं भाई कस्टमर। ये बहुत बेहतरीन से कस्टमर होते हैं भाई ऐसे हमें कस्टमर और भी चाहिए। अब हमारे पास जैसे फिलहाल अच्छा खासा बजट आ चुका है तो फिर से भी चलते भी कार और शोरूम पे ऐसे फिर से पूछते भाई कितने में देना चाहता है भाई जल्दी जल्दी बता ले भाई कितने में दे रहे भाई कितना भाई ज्यादा बजट बता रहे भाई। लेकिन कोई बात नहीं अब फिलहाल और कार लेते हैं उसके बाद भाई इसको लेने वाले हैं भाई। सबसे पहले इस गाड़ी को मैंने खरीद लिया। ये भी गाड़ी ठीक ठाक है बिल्कुल मस्त लग रहा है गाड़ी तो ओपी है भाई। इस गाड़ी में फटाफट से भाई बैठते हैं और इस गाड़ी को भाई लेकर जाते हैं वहाँ पर भाई कार शोरूम पर। कार शोरूम पे यहाँ पर आ चुका और यहाँ पर आप लोग ड्रिफ्ट चेक करो कितना ओपी से ड्रिफ्ट लगाया है मैंने एंड भाई अपनी गाड़ी को पार्किंग पे लगाते हैं एंड सबसे पहले इस गाड़ी को भी अच्छा खासा हम सेल पे लगाने वाले हैं। सबसे पहले तो भाई इस गाड़ी को भी कितना लगाना चाहिए हम लोगों को भाई 80,000 में लिया था ओके भाई इसको भी 40,000 में लगाते भाई देखते भाई कस्टमर आते हैं कि नहीं इसके लिए। पहले तो जब हमने खरीदा उस टाइम मेरे ख्याल से शायद अच्छा खासा ठीक ठाक मैं भेज दिया था। अब तो देखते हैं भाई ये कितने में ले रहा है भाई 10,000 में ले रहे हैं भाई जल्दी तुम बैक हो जाओ भाई इसको छोड़ो। अब फिलहाल भाई इसको चेक करते भाई ये है जो मोटे गंडे भाई इसने पहले भी हमसे गाड़ी लिया था भाई अच्छी खासी तो वैसे डील दे रहा है लेकिन फिर भी इसे थोड़ा बहुत आगे भी बढ़ा लेते हैं खुद को भाई। तुम ऐसे करो भाई 2,000 या 3,000 ऊपर ही दे दो भाई जान ये भी नहीं दे रहा पता नहीं क्यों। अब इस आंटी से पूछे भाई आंटी तुम ऐसे करो भाई आंटी कितने में सस्ते मिल रहे भाई आंटी को भी छोड़ो एंड जब भाई फिर से इस पे आते भाई देखते भाई कितने मिल रहे हैं 25,000 में ले रहा था एंड भाई इसको भी अच्छे खासे दाम में लगाते हैं भाई। तुम ऐसे करो भाई $27,000 हमें दे दो भाई इस गाड़ी को लेकर जाओ भाई अच्छी खासी डील दे रहा हूँ ओके। तो बस इसने ले लिया भाई फाइनली। अब हमारी दूसरा भी कार बिक चुका है अब हमारे पास भी अच्छा खासा तो प्रॉफिट आ चुका है फिलहाल भाई। ये भी थोड़ा बहुत सस्ते दाम में ले रहा था एंड भाई ये 12,000 में ले रहा है लेकिन इतना तो भैया हमारे पास कम ही है इसको भी 14,000 बोलते हुए 14,000 में तुम आंटी ले लो भाई फिर दफा हो जाए भाई। ये फिर भी नहीं ले रहा भाई इसको भाई बोलते हैं भाई 500 में ले भाई इसको मैं एक ऑफर दे रहा हूँ कोई अच्छा सा लेकिन ओके। तो भाई इसने भी भाई फाइनली भाई अपना कार बिक चुका है हमारे जो हमारे दोनों कार थे भाई दोनों बिक चुके हैं भाई हमें और भी कुछ कार लाने पड़ेंगे ओके। तो फिर से हम कार मैकेनिक सॉरी कार शोरूम पे आ चुके हैं। ओ भाई साहब ये कितना ओपी सा और तगड़ा सा भाई कार है भाई भाई सुप्रा है टोयोटा सुप्रा है भाई काफ़ी अच्छा सा बेहतरीन सा कार है इसको भी हम ले सकते हैं लेकिन हमें ये भी गाड़ी लेना पड़ेगा। अब यार इस गाड़ी को भाई देखते भाई ये गाड़ी कितने में ले रहे हैं हम ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे ओके। तो भाई कितना ज़्यादा महंगा दे रहा है भाई जान इसको भी छोड़ो फिलहाल भी इसको चेकआउट कर सकते भाई एक और भी यहाँ पर खड़ा हुआ है भाई इसको चेकआउट करते हैं यहाँ पर भाई 2,00,000 भाई इतने ज़्यादा भाई बजट कौन भाई दे देता है भाई एक छोटे से गाड़ी के लिए भाई एक भाई ये टोयोटा सुप्रा है इसको भी देखते भाई ये भी 50,000 में शायद डॉलर में दे रहे हैं लेकिन फिलहाल भी छोड़ो भाई इसको लेते हैं भाई इसके इससे नहीं भी इससे लेते भाई ठीक है। ये भी कुछ अच्छे दाम में हमें दे रहे हैं वो थोड़ा बहुत महंगा दे रहा था ओके। तो ये वाला हमने कार परचेज कर लिया दोनों शायद मैंने परचेज कर लिया एंड अब उसको भी कार को भी सेंड कर लेते हैं या भाई इस कार को मैंने ले लिया और भी काफ़ी ज़्यादा मस्त लग रहा है भाई इस दोनों को भी जाके फटाफट से भेजते हैं भाई। फाइनल गाइस यहाँ पर अपनी शोरूम पे आ चुके हैं। सबसे पहले भाई यहाँ पर फिर से कूड़ा किसी ने फेंक दिया भाई फिर से साफ करना पड़ेगा यहाँ पर भाई इसने साफ कर लिया मैंने। अब ऐसे यहाँ पर करते हैं ऐसे ये वाला टोयोटा सुप्रा को भी मॉडिफाई थोड़ा बहुत कर लेते हैं उसने उसको भाई हम नहीं करेंगे क्योंकि अभी इतना हमारे पास फालतू टाइम नहीं है। अब फिलहाल भाई इसको भी लगाते भाई सेल पे तब तक भाई कस्टमर तो भाई आए तब तक हम वेट करते हैं तब तक हमारा कस्टमर भी आना ही लगेंगे एंड यहाँ पर मैं इसको भी 100,000 में भेजने वाला हूँ भाई। भाई इतने ज़्यादा में लिया तो भाई इतने ज़्यादा ही हमें भेजना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर हमें अच्छे खासे प्रॉफिट कमाना है। उसके बाद हम अपने घर को भी अपग्रेड करेंगे मतलब अपनी शॉप को अपग्रेड करेंगे एंड उसके बाद काफ़ी सारे इसमें एक्टिविटी हैं वो भी हमें करने पड़ेंगे फिर अब पैसे हमारे पास हो तो वो सारे हम करेंगे यू नो ये कुछ अच्छा सा डील दे रहा है लेकिन तुम ऐसे करो 2,000-3,000 मुझे और ऊपर दे दो
भाई कुछ अच्छे ओके। तो गाइस इसने भाई ले लिया हमारे टप्पर से टोयोटा सुप्रा, भी काफी अच्छा सा गाड़ी था। अबे ये फिलहाल टोयोटा सुप्रा अच्छा हो जाए तो भाई इसको भी लेकर जाते हैं। ओके तो भाई यहाँ पर गाड़ी नीचे हो चुका है एंड भाई काफी, तो भाई गाड़ी तो भाई ज्यादा चमक रहा है भाई, चमक दमक रहा है भाई, गाड़ी तो मस्त है यार, मुझे मस्त लग रहा है। तो इसको भाई यहाँ पर थोड़ा बहुत भगाते हैं। ओके भाई यहाँ पर फिफ्टी भी जा चुका है भाई, रुको 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 भाई, कहीं पर ठोकी नो, फिर भाई ग्राहक भी इस गाड़ी को भाई नए नए लेने वाले। सबसे पहले भाई इस टोयोटा सुप्रा को अच्छा सा दाम लगाते हैं। ओके यहाँ पर मैंने $12,000 खर्च किए, सॉरी $1,200 खर्च किए और $48 में इसको लिया था। हम भी इसको भी इस 1,00,000 में भेजने वाले भाई, कोई ग्राहक आता भाई फटाफट से भाई ये वाला ग्राहक आ चुका है। ओके ये भाई जल्दी भाई कोई अच्छा खास दाम दे भाई। ओके ये तो भाई यूनो अच्छी डील दे रहा है, लेकिन इसको भाई थोड़ा बहुत मुझे थोड़ा बहुत बस थोड़ा और दे दो मुझे, बस इतना ही मुझे काफ़ी है, थोड़ा भाई और दे दो भाई। भाई गाड़ी को लेकर जाओ तुम भाई, कोई मसला नहीं, 4,000 बस मुझे ऊपर देना है तुम्हें। ओके तो भाई इसने भी टोयोटा सुप्रा ले लिया। अब इतने तुम्हारे पास पैसे हो चुके थे जाके हम पुरुष ले पाए, अब फाइनली यहाँ पर पुरुष वाले जगह पे आ चुके हैं। ओके तो ये 1,86,000 में हमें अपना गाड़ी देना चाहता है, लेकिन फिलहाल कोई और भी गाड़ी यहाँ पर देखते हैं, एक और भी टोयोटा सुप्रा है यहाँ पर भी, इसको भाई देख सॉरी पुरुष है इसको भी देखते हैं। ये तो भी काफ़ी ज़्यादा हमें बजट से भी हमारे ऊपर है भाई, ये एक अच्छा खासा भाई आंटी हमारे डील में दे रहे हैं, तो भाई इसको ऐसे करते थोड़ा बहुत बस आंटी कम कर ले, क्योंकि भाई ऐसे हम नहीं लेंगे भाई आज के बाद भाई, जो भी गाड़ी होगा उसे भी थोड़ा बहुत बार्गिंग वगैरह करेंगे भाई, ये नहीं कर रहा तो भाई इसको भी हम बाय कर लिया भाई। कैसे भी किसी भी हालत में ये हमें गाड़ी लेना था, इसके लिए मैंने इसको भी जैसे तैसे करके भाई इसको फाइनल इस गाड़ी को बाय कर लिया। मैंने भाई आप लोगों से वादा किया था भाई जब भी मैं इस गाड़ी को लूँगा तब मैं वीडियो बंद करूँगा, मतलब क्लोज वीडियो करूँगा। फाइनली अपने गाड़ी को परचेज कर लिया एंड सबसे पहले इसको कोई अच्छे खासे दाम है। अब लोग गाड़ी को भाई एकदम लुक तो चेक कर भाई, ऑफिस है इस गाड़ी का लुक है। सबसे पहले भाई इस गाड़ी को कोई अच्छा सा खासा दाम लगाते हैं, यहाँ पर भी पुरेश है भी अच्छा सा खासा इसको भी दाम लगाते हैं। अभी दाम कैसे लगाएं इसको भाई, हम भेजने वाले हैं भाई 3,00,000 से भाई 10,000 नीचे भाई, ठीक है भाई 3,000 से 10,000 नीचे भाई इसको लगाते हैं। सबसे पहले भाई यहाँ पर कस्टमर का वेट करते हैं और सबसे पहले आप लोग पुरेश का भाई लुक चेक करो, और यहाँ पर एक कस्टमर भी आ चुका है भाई, कितने में लेना चाहती है आंटी तुम भी। ओके ये भी अच्छी खासी डील है भाई, इतने में तो लिया था भाई, थोड़ा ही हमें 10,000 ऊपर दे रहे हैं, लेकिन भाई इसको भाई इग्नोर ही करना पड़ेगा। ओके यहाँ पर मैं कौन सा बटन दबा दिया साइड में, कि क्या आ चुका है भाई इसको भाई तुम लोग इग्नोर कर देना, मेरे नहीं मेरे से कौन सा बटन दब गया भाई, ये साइड में आ चुका है भाई, एरर है पता नहीं कौन सा है। ओके तो भाई इसको मैंने एग्जिट कर लिया भाई, एक और आंटी आ चुका है भाई, आंटी भी कितने में लेना चाहता है तुम भाई, थोड़ा बहुत इससे बार्गिंग कर लेते भी थोड़ा बहुत भाई, तुम ज़्यादा भी बड़ा लोगे तो मैं अच्छा खासा रहेगा प्रॉफिट, यहाँ पर भाई अच्छे खासे दाम में तुम दे दो। ओके तो भाई इसने भी परमा से भी पुरुष ले लिया, बाकी तो गाइस बस छोटा सा वीडियो था भाई, छोटा तो वैसे नहीं था भाई वीडियो बाकी तो गाइस आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, पसंद है वीडियो को लाइक कर देना, अगर आप चैनल पर नहीं तो मेरा सब्सक्राइब करा, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट में, मतलब फिर टेक केयर, बाय बाय, चलो फिर शाटो। इंस्टाग्राम डिलीट मैंने कर दिया था पिछले हफ्ते, सुकून नहीं मिलता शायद कर जाऊं मैं अब इन सबसे, हाँ जब से पैदा हुआ तब से ही मैं ठीक हूँ, आ जा मेरी जान तुझे सारी अपनी चीज दूँ, ये रख दो पैसे तुझे जरूरत पे काम आएंगे, ये ले जा गाड़ी तेरे दोस्त तुझे मान जाएंगे, ये रख मोबाइल अगर आईफोन का शौक तुझे।